इस चुनाव में आपको माहौल क्या लग रहा? इस चुनाव में इस बार परिवर्तन होगा होगा होगा। इस बार आम आदमी पार्टी जो तीसरा विकल्प होकर उपलब्ध आई है गुजरात में, तो गुजरात के अंदर विकास होगा। जैसे दिल्ली की स्कूल है, जो मनीष सिसोदिया जी वहाँ के शिक्षा मंत्री है, उसका और उसके जो बच्चे वहाँ के पढ़े हैं, उसका दूसरे देशों के जो अखबार है, उस जो अखबार कहीं भी खरीदी नहीं जाता है, उसको अखबार में समाचार न्यूज नहीं दिया जाता है। परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन में बीजेपी को हटाना? हाँ, बीजेपी को हटाना है। किसको लाना? आम आदमी पार्टी को। कौन कास्ट किस पार्टी की तरफ ज्यादा है? महंगाई के हिसाब से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। क्या विकास की वो रफ्तार या वो वायदे जो बातें कही जा रही थी वो सही है, या लोग ये महसूस करने लगे कि महंगाई, बेरोजगारी और तमाम चीज़ें सब ज़्यादा ही है, बेकारी है, रोजगारी नहीं है किसी के पास, महंगा भी ज़्यादा है। वो वादा करता है कि हम इतने करोड़ देते हैं, लेकिन इतने करोड़ आते नहीं है। बोलते हैं कि साणंद के 2500 करोड़ दिया, लेकिन 2500 करोड़ में से 25 करोड़ भी नहीं दिखते हैं। तो क्या है आपकी तरफ माहौल? अभी माहौल अच्छा है, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी का बच्चा थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। मोदी जी तो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार होने नहीं देते, हम तो चौकीदार। भ्रष्टाचार क्या, और नोटबंदी किया इससे भ्रष्टाचार कम हुआ? क्या हुआ नोटबंदी से? परेशान हुए तो लोग हुए, फायदा तो हुआ नहीं है किसी को। 15 लाख देने को बोलते थे, क्या दिया 15 लाख? किसको दिया? क्या माहौल आपके हिसाब से? माहौल तो आम आदमी का बहुत है। यह साल करियारा में GST लगा दिया, ऑयल में लगा दिया, पेट्रोल में लगा दिया, फिर क्या करेगा आम आदमी? स्वास्थ्य की सुविधा के लिए, शिक्षण के लिए कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे हो। आयुष्मान कार्ड नहीं है? अरे आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 300 रुपया देना पड़ता है, आवक का दाखला लेने जाओ तो 150 रुपया देना पड़ता है। आप चलो लेके चलते हैं, यहीं पे उनकी एजेंसियां भी खुल गई है, उनके माए बाप भाई भतीजे बोलता हूँ 5 साल के लिए बदल के तो देखो, 27 साल के तो इनका भार लेके चल रहे हो आप। ऐसा कोई विकास नहीं है, गुजरात मॉडल, इससे भी बहुत सारे राज्य है वहाँ भी विकास है, यहाँ खाली गुजरात मॉडल बताते, कुछ नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, ये जो अब इस बार चुनाव हो रहा है, उसमें लड़ाई किसमें किसमें? उसमें लड़ाई आम आदमी पार्टी की ज्यादा लग रही है, सामने वही आने वाली है।